नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज मैं हम बताऊंगा कि वंशावली कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि वंशावली के आधार पर ही आप अपने पिताजी का या फिर मम्मी के, दादा हो, नाना हो, नानी हो, या अन्य जो कि आपके, जिससे आप जमीन अपना, मतलब इनका जमीन है, हो सकता है कि दादा का हो, पिता का हो, नाना का हो, नानी का हो, आप हक पाएंगे। तो कैसे अपने नाम पर करेंगे, इस सर्वे में पूरी जानकारी दी जाएगी, चाहे मुस्लिम बिरादरी के हो या फिर नॉन मुस्लिम के, सबके लिए ये प्रोसेस कारगर साबित रहेगा और यही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। तो इसको हम मिटा देते हैं। बहुत क्या करते हैं कि अपने बहन के नाम छुपाते हैं या लड़की के नाम छुपाते हैं वंशावली में, तो ऐसा कीजिएगा तो आप जो भी बंटवारा किए सब अवैध माना जाएगा। लेकिन बिना बहन को दिए भी जमीन आप अपने नाम करा सकते हैं, उसका प्रोसेस है इस वीडियो में हम बताएंगे। खास करके जो हिंदू समाज में है, बहन या बेटी क्या करती है, जमीन नहीं लेती है। तो किस स्थिति में, मान के चलिए एक नॉन मुस्लिम है, कोई मोहन है, मोहन का एक मोहन, मान के चलिए मोहन है, उसका दो लड़का है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई है, फिर एक लड़की भी है, तो दोनों लड़का को तो जमीन आए होगा ही, तो लड़की का भी हिस्सा आएगा। लेकिन अगर चाह रहे हैं कि ये चाह रही है क्या कि हम जो जमीन नहीं लेंगे, तो इसके लिए भी कुछ प्रक्रिया है, दोनों के नाम में ही डायरेक्ट पिताजी के नाम से आ जाएगा यहाँ पर। तो पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे, इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करना होगा। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पेपर नहीं है, खो गया है, गुम हो गया है, हम बस रहे हैं, लेकिन बसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खेती वाला, ठीक है मान के चलिए खेती के सब कपड़े पड़ चाहिए, बसे हुए हैं, दादा का जमीन है, परदादा का जमीन है, लेकिन पेपर नहीं है, रसीद है। तो देखिए, सिर्फ रसीद से काम नहीं चलेगा, पेपर चाहिए। पेपर कैसे निकालेंगे वो भी बताया जाएगा वीडियो के दौरान। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वंशावली में। तो वंशावली में फिर ऐसा भी केसेस आया है कि सर मेरे दादा के चार पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र, मतलब एक लड़का जमीन बेच लिया, लेकिन अभी हिस्सेदारी वो बराबर मांग रहा है, तो अब क्या करेंगे, मतलब वो अपना हिस्से की जमीन में से कुछ बेच लिया है, लेकिन अभी कितना उसको दे, कैसे दे, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो मान के चलिए एक मोहन व्यक्ति है, हो सकता है कि आपका दादा हो या पिता, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर में इसी तरह बनाया जाता है, एक व्हाइट पेपर ले लीजिएगा, मोहन लिख देना है, कौन है ये, मोहन, ठीक है। अब इसके ऐसे करके लाइन दिया आता है, ध्यान से देखिएगा। तो मोहन जो है उसके ये क्या है, मृत अगर है तो लिखेंगे स्वर्ग मोहन, ठीक है, जो भी इसका नाम है वो, पिता का नाम इसका क्या है, ठीक है, जो भी है वो लिखिएगा, इसका ग्राम क्या है, ठीक है, इसका एड्रेस टाइप का यहाँ पर लिख दीजिएगा, इतना हो गया। उसके बाद मान के चलिए मोहन के दो लड़का हैं, ठीक है, बारीकी से देखिएगा, दो लड़का है, रोहन और सोहन, ठीक है, सोहन, सोहन लिख दिए, तो इसके पिताजी का नाम क्या है, जो है पिता लिख दीजिएगा यहां पर, इसके नीचे जगह मिलेगा तो ठीक है, तो पिताजी का नाम, पिता जो भी है उसका नाम लिख दीजिएगा, इसका भी पिता का, क्योंकि इसका सेम ही है तो पिता का लिख दीजिएगा। अब जो भी जमीन है इसका दो हिस्से में बट जाएगा। लेकिन अगर उसकी बेटी भी है तो करते क्या है, हम लोग एक तरफ से नाम देते हैं, बड़ा से छोटा की ओर, आगे पीछे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान के चलिए ये बड़ा है, उसके बाद एक बेटी है, तो बेटी का पुत्री का भी दे देंगे, मान के चलिए पूनम है। ये बहुत ही जरूरी वीडियो है, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। बहन है, बहन जमीन नहीं लेना चाहती है, लेकिन वंशावली में दिखाना होगा। अब जब क्या करेंगे, हो सकता है कि आपके पिताजी का खतियान हो या केवाला हो, उसके साथ रसीद, दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, बिना मोटेशन का, बिना रसीद का भी सर्वे होगा, लेकिन उसकी परिस्थिति है जो कि हम वीडियो में बताएंगे। तो पहले समझ लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे केवाला हो या खतियान हो, और उसके साथ रसीद, वो चाहिए, और उसके साथ ये वंशावली और प्रपत्र टू, जो कि हम बता दिए हैं स्क्रीन पर, आपको हम दिखा भी दे रहे हैं अभी, ये प्रपत्र सो घोषणा पत्र वो बना के देना पड़ता है। लेकिन अगर बंटवारा वाला जमीन है तो वंशावली हर हाल में लगेगा। तो दोनों तो हिस्सा पाया,
लेकिन ये भी हिस्सा पाएगा कि तर बहन जमीन नहीं लेना चाहती है। ऐसा होता है हिंदू समाज में, परंपरा चल रहा है कि नहीं लेंगे, उस तरह का देख रेख की जाती है बहन को, बेटी को। तो अगर ये नहीं चाहती है, मान के चलिए मोहन को 50 डिसमिल जमीन था, ठीक है, लेकिन हिंदू समाज में क्या होता है, बेटी को और बेटा को बराबर जमीन दिया जाता है, तो बराबर हिस्सा होता, ठीक है, तो 16 डिसमिल कुछ पॉइंट जो भी आ जाए, ठीक है, 16 पॉइंट इस तरह करके जो भी जमीन आ जाए भाग दे के आगे, लेकिन ये चाह रहे कि नहीं ले, हम नहीं लेंगे। तो इसके लिए या फिर ऐसा सहमति बनी है तो एसडीओ लेवल का जो अफिडेविट बना करके आपको खतियान के साथ साथ या केवाला का जमीन है ये बंसावली देना पड़ेगा, जिसमें टोटल हिस्सा क्या हो जाएगा, जितना है उतना व्यक्ति के खाते में आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट खतियान इस नाम से बन जाएगा। लेकिन इसका सहमति अफिडेविट सिर्फ मौखिक बोलने से नहीं होता है, सहमति लगाइएगा तभी जा करके होने वाला है। और एक बात कि इसमें से कोई भाई जमीन बेच लिए है, मान के चलिए ऐसा कैसे हुआ है, मेरे वीडियो में कमेंट किया है कि ये जो है जानता है कि हिस्सा तो पाएंगे ही, 5 डिसमिल जमीन बेच लिया है, पहले ही बेच लिया है, तो इसका कितना बनेगा, 20 डिसमिल जमीन बनेगा और इसका जितना है उतना बनेगा, बाकी जो खरीदा है उसके नाम पे आ जाएगा। ये नहीं कि जो बचा है आधा आधा फिर बांटे, ऐसा जबरदस्ती करता है, लेकिन जबरदस्ती से होने वाला नहीं है, जो नियम है जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही होगा। अब रही बात, मान के चलिए आपके दादा या परदादा का जमीन है, ठीक है, दादा या परदादा का जमीन है, तो कैसे वंशावली बनाइएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, इसी प्रकार से वंशावली बनता है, हम खुद बना करके अपना काम भी कराए हैं। इन्हें कि सर क्या बता रहे हैं, ऊपर में वंशावली लिख दीजिएगा, एक पेपर में इस तरह के वंशावली लिख दीजिएगा, उसके बाद जो भी है मान के चलिए कि अहमद कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, स्वर्ग है तो स्वर्ग लिख दीजिएगा, इसके पिता का नाम क्या है जो भी है वो लिखेगा, ग्राम जो भी है वो लिख देना है, उसके बाद एक लाइन दे देते हैं, सीधी लाइन खींचना है, ठीक है, उसके बाद एक ये हर जगह अलग अलग चीज बोला आता है, कहीं वंशावली बोला आता है, पंचनामा बोला आता है, सब चीज एक ही चीज हुआ, ठीक है, कहीं वृक्ष भी बोला आता है, सब अलग, वृक्ष मतलब एक साया टाइप का बन जाए, कितना कौन कौन आश्रित है उसमें, ठीक है। तो ये दादा है आपका, आपके दादा है, लेकिन ये क्या है, 3 भाई से है, ठीक, तो इस तरह करके दे दीजिएगा, बिल्कुल रूल से कर लेना है, लेकिन एक बहन भी है तो बहन भी करा देते हैं, बड़ा से छोटा करते हुए नाम लिखेगा वो बेहतर रहेगा, ठीक है। मान के चलिए ये रोहन है, राजा है, ठीक है, ऐसा होता है, अवेश है और सगुफ्ता है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑथेंटिक जानकारी हम दे रहे हैं आपको। तो क्या करेंगे, जो भी जमीन है दादा का आपका, ये चाचा हो गया आपका, मान के चलिए आप दादा की जमीन क्या कर रहे हैं, तो अगर ये जिंदा है जो भी हिस्सा पाएगा ये इस अपने नाम से कर लेंगे, इसके अपने नाम से कर लेंगे, सब अपने नाम से कर लेंगे, लेकिन इनमें से कुछ है कि डेट कर गए हैं, तो इसके नाम के नीचे अधिक, इसके नीचे सब पिता का नाम लिखना जरूरी है, नीचे नहीं लिखेगा, साइड में लिखेगा, ताकि लैंड फाड़ने में आपको सहूलत आसानी हो, पिता का नाम लिख दीजिएगा, ग्राम लिख दीजिएगा, एकदम सेम टू सेम सब में लिखना है, ठीक है, ये तरीका होता है। उसके बाद जैसे कि ये डेट कर गया तो कौन, इसका जो वंशज है वो होगा, तो इस तरह करके आगे बढ़ के इसका जितना भी लड़का लड़की जो भी है उसके नाम पे क्या होगा, जमीन चढ़ जाएगा। अब जितना ये हिस्सा पाया, मान के चलिए कितना है यहाँ पर, 70 डेसिमल जमीन है सपोज, तो मुस्लिम समाज में क्या होता है, भाई को डबल हिस्सा होता है, तो जितना भी भाई है, ठीक है, तो उसको जोड़ लेते हैं, कौन भाई है यहाँ पर जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, तो इसका डबल कितना होता है, 6 बहन एक हिस्सा होता है, 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हिस्सा करके होगा, 10, तो जो एक हिस्सा पाएगा उसमें इसका 10 डेसिमल हो जाएगा, ये 10 डेसिमल हो जाएगा, हम ये 10 डेसिमल लिख रहे हैं लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं, उन लोगों को खुद कैलकुलेट कर लेंगे, लोग जानते हैं सब, तब ना कर्मचारी ऐसे बने हैं, ये 20 डिसमिल करके जमीन हो जाएगा, मतलब बहन आधा पाती है, बहन कितना पाती है, आधा, ठीक है।
इसके ये तो डेट कर गए हैं, तो किसका इसका जो वंश है अब इसमें फिर बंटवारा होगा, इस हिसाब से यहाँ पर ये पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये सब डेट कर गए हैं अपने वंश में करेंगे, करना चाह रहे हैं, तो एक ही इसमें अगर कीजिएगा पेपर में तो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह आप अपने दादा का नाम, सब चाचा का नाम, फिर आप अपना लेकर के इस तरह आगे बढ़ जाइएगा, फिर अपना इसमें लगा दीजिएगा। इसी तरह फिर ये करके जैसे इसके बनाना है तो इसके नीचे से फिर आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि एक ही पेपर में अगर मान के चले सब डेट कर गया है, इसका भी ढेरी वंश है, इसका भी ढेरी वंश है, तो इस तरह की जगह तो एक पेपर में पॉसिबल नहीं है। तो मान के चलिए सब डेट कर गया लेकिन हम राजा बना रहे हैं अपना, ठीक है, तो इसी तरह बनाएगा ये राजा का नस्ल जो है, मतलब बच्चा जो बना रहा है इस तरह बनाया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे आप, वंशावली बना करके आपको क्या करना है, देना है, एकदम वैलिड है। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर गांव के चार से पांच व्यक्ति का, या जिसको गवाह लिख देंगे, गवाह चार से पांच व्यक्ति का साइन कराना है, एक मेंबर भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक साइड में नीचे जगह रहेगा तो खुद साइन कर लेंगे, सरपंच साइन करेंगे या फिर मुखिया भी करते हैं, सरपंच मुखिया जो भी, सरपंच तो करना ही है, मुखिया भी साथ में करेंगे नीचे भी, या फिर मान के चलिए सरपंच ही करें, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे खाली रहेगा वो कर लेंगे साइन, साइन करेंगे तो वैलिड आपका क्या हो जाएगा, मतलब प्रतिनिधि का इसलिए क्या आता है कि हाँ वो जानते हैं कि इस तरह का इसका वंश है, ये हिस्सेदारी पाएगा। प्रकार आप बना लेंगे तो आपका 100% वैलिड रहेगा। अब रही बात क्या, इसमें भी देखिए हर तरह का जमीन है, खास करके मुस्लिम समाज में खेती वाला जमीन है, दोनों देखिए मुस्लिम समाज हो या नॉन मुस्लिम, क्यों सबकी जानकारी जरूरी है, आपके का भी काम आएगा। फिर आप बताएंगे कि बिना वोटेशन किए भी रसीद कैसे कटेगा आपका जमीन का, तो मान के चलिए आपकी फूफी है, ठीक है, आप इसके वंश हुए तो ये कौन हुआ, फूफी ना हुआ, ठीक है, फूफी हुई तो खेती का जमीन तो लगभग ले ही लेता है। मान के चलिए कहीं वो छोड़ना चाहता है कि चलो नहीं लेंगे, या फिर बसने वाली जमीन है, भिट्टा वाली जमीन है, बसने वाला है, प्राय मुस्लिम समाज में अधिकतर जो देखा आता है बसने की जमीन में बहन हिस्सा नहीं लेती है, बाकी सब में लेती है कमोबेश करके थोड़ा बहुत, या भाई में ही कमोबेश करके बेच देती है। अगर ये लेना नहीं चाहती है, मान के चलिए बसने वाला ही ये जमीन है, नहीं लेना चाहती है, तो ऐसे मौके बोलने से नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद में ये फाइट करेगी या इसका वर्सेस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इससे एक अफिडेविट बना लीजिएगा, शपथ लेगी जो एसडीओ लेवल का रहेगा, उसमें ये वंशावली के साथ लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, ये जो जमीन बचा सब में फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब जितना भाई है उसमें बढ़ जाएगा बसने वाला जमीन में। किसी जमीन में अगर नहीं लेना चाहती है तो अफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कोई बहन अगर नहीं लेना चाहती है जमीन तो अफिडेविट लगाना पड़ेगा, बहन को हटा करके अगर कर कीजिएगा तो सर आजकल ऑनलाइन हर चीज वो देख लेंगे कि किसके किसके नाम से जो है, मेरे नाम से नहीं है, फिर वो केस करेंगे, तो लेने का आपको तो दंड भी मिलेगा, फिर उसको देना भी पड़ेगा, एकदम हर हाल में सजा भी तो भुगतना पड़ेगा, तो गलत है वो। फिर जब भी प्रपत्र भरते हैं तो एकदम वहाँ पे शपथ लिया आता है आपका, ये नहीं कि जो बहन को छोड़ देते हैं उसको पता नहीं है ऐसा विश्राम ले लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो बिना पेपर के भी कैसे जमीन मिलेगा आपको, अब वंशज है तो आपके पास कोई पेपर है नहीं है, लेकिन अब उसके वंशज है ना, तो दादा या परदादा या पिताजी का या नानी का दादी का जो भी है, जैसे नाना का जमीन है तो मम्मी पाएगी हिस्सा, ठीक है, तो उसका किस तरह बनेगा वंशावली, देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मान के चलिए नाना का जमीन है आपका, ठीक है, दादा दादी का हो गया, नाना नानी का ही मान के चलिए, ये समझिए सबके लिए जरूरी है, ठीक है, ये मान के चलिए नाना आपका अहमद है। उसके बाद आप इसका कितना औलाद है, ठीक है, दो तीन गो औलाद है, ठीक है, राहिल है, ठीक है, रोहन है, उसके बाद फुल सरी है, ठीक है, सपोज दैट तो नाना या नानी की जमीन है। तो अब क्योंकि इसका वंशज बना रहे हैं तो इस तरह करके यहाँ से इस चैन बना लीजिएगा। अब जो भी जमीन है इसका, ये भी हिस्सा पाएगा, ये भी पाएगा, ये आधा पाएगी, इसमें फिर जो भी औलाद है उनका, या फिर ये है तो इन्हीं के नाम पे हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं है तो इनका औलाद जो है उस पर होगा। इस प्रकार अब वंशावली बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी तरह से बन जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो वो खुद तो बना ही लेंगे, एकदम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन करने के लिए जाना है। लेकिन थोड़ा जो लिखने उखने में दिक्कत है तो आप जाइएगा, ये तो देखना वीडियो इसलिए जरूरी है कि आप समझ गए, आपको नॉलेज हो गया, अब सरपंच के पास जाइएगा, आपका वंशावली बना देगा। लेकिन अब हम बताए थे कि बिना पेपर का कैसे
सर्वे होगा, होगा जिसका, देखिए मान के चलिए ये रोहन है, जमीन खरीदा लेकिन ये मोटिवेशन नहीं कराया, तो जिससे भी खरीदा उसका केवाला या खतियान होना चाहिए। और अगर केवाला है, अगर केवाला वाला है जमीन, तो आप केवाला कराए हैं, जिसे आप केवाला कराए हैं ठीक है, लेकिन रसीद नहीं कटा है, तो खतियानी जमीन अगर है तो जिससे खरीदे हैं उसका खतियान में नाम होना चाहिए। मतलब डायरेक्ट रिलेशन प्रूव हो जाएगा, तब का बिना रसीद का भी क्या हो जाएगा, मतलब बिना मोटिवेशन का भी आपका यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर केवाला है तो जिसके जो बेचा है उसके नाम से जमाबंदी कायम रहना चाहिए, मतलब उसका रसीद कटना चाहिए, तो ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, आप मोटिवेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसी तरह जो है बिना रसीद का भी आपका होगा, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन पता चले जहाँ जो बेचा ये खुद का जमीन है, मतलब जो बेचा है उसका जमाबंदी कायम रहना चाहिए, सिर्फ खतियान नहीं, अगर खतियान है भी जमाबंदी कायम रहना चाहिए जो बेचा उसके नाम से। फिर बोले कि बंसावली बना करके हम कर लीजिए, तो वो जो है कर्मी पर डिपेंड करता है, वो उस तरह कर सकते हैं। मान के चलिए आप जो है बेचे हैं, तो आप पिताजी का जमीन बेचे हैं ठीक है, तो फिर वंशावली लगाइएगा, तब उस तरह होगा, लेकिन कर्मी पर डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्ट जो रिलेशन दिख रहा है उसमें वो करेंगे जरूर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप खतियान, अगर खतियान नहीं है तो खतियान निकाल लीजिएगा, खता खसरा आपको पता ही होगा। अगर खता खसरा नहीं पता है, बहुत ऐसे व्यक्ति भी हैं खता खसरा पता नहीं, हम घर बनाए हुए नहीं पता है, तो अब आप संबंधित जो आसपास के अमीन है उससे पूछिएगा, लोकेशन बताइएगा, वो खता खसरा बता देगा। खता खसरा से आप खतियान निकाल सकते हैं, खतियानी जमीन है अगर, उसके बाद अगर केवाला वाला जमीन है तो रजिस्ट्री ऑफिस से आपका केवाला निकल जाएगा, वहाँ पर इसवी संलम्ब बताइएगा, फिर नाम और डिटेल्स बताइएगा ना, वो निकाल करके आपको दे देंगे। जो भी चार्जेस है वो लगता ही, एक्स्ट्रा भी लगता है, तब जाके आपका काम होगा। तो यदि जानकारी, इसके अलावा अगर कोई भी समस्या है आपको, कोई भी, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उसको कमेंट कीजिए, आपको 100% हम कमेंट का जवाब देंगे, साथ ही जरूरत पड़ेगा तो स्पेशल वीडियो भी बना के लाएंगे। तो यदि जानकारी, अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।